तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको बता दें कि कांस्टेबल नजीर अहमद राठर की है, जो कि कुलगाम के रहने वाले हैं, पर उधमपुर एक्सीडेंट में इनकी मौत वाकया हुई है। बेहद ही दिल दहला देने वाली जो तस्वीरें कल रात को सामने आई, सबसे पहले वो आपको दिखाएंगे, फिर बताएंगे एक्सीडेंट का कारण क्या कुछ बताया जा रहा है। ये तस्वीरें तो चलिए रुक करते हैं कुलगाम का। हमारे साथ हामिद लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। हामिद, बताइएगा किन परिस्थितियों में इनकी मौत वाकया हुई। आज ये नजीर अहमद राठर सपट कुलगाम का रहने वाला है, जो कि महकमे पुलिस में मुलाजिम था और रेलवे विंग में काम करता था, जो कि बताया जा रहा है कि बड़गाम में ये ऑफिस का काम संभालता था। इसकी फैमिली नगरोटा में रह रही है। नगरोटा में इसने जमीन खरीदी, वहीं पे एक मकान बनाया है, जहाँ सर्दियों में इसके जो माँ बाप है, बच्चे हैं, वो तो वहीं पे रह रहे थे, उन्हीं के मिलने के लिए जा रहा था। मगर इसने एक गलती की है, ये इस बाइक पे वहां पे चला गया था, जबकि इसके पास एक गाड़ी भी है, उस पर चला गया था। नगरोटा में इसका जो बाइक है वो टिकरी के मुकाम पे, जहाँ पे इसका मोटरसाइकिल स्लिप हो गया, और स्लिप होने के बाद ये सड़क पे गिर पड़ा, और वहां पे मुकामी लोगों ने जब देखा इसको तो खून से लथपथ इसको हॉस्पिटल उधमपुर पहुंचाया गया, जहाँ पे ये जख्मों की ताब न लाकर आज चल बसा। जी बिल्कुल, और जिस तरह से बताया जा रहा है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में ये काम करते थे, और कल अनंतनाग से जब ये उधमपुर आ रहे थे, बाइक पर आ रहे थे, रेसर इनकी बाइक थी, हेलमेट भी इन्होंने नहीं पहनी हुई थी, जिसकी वजह से इनको हेड इंजरी आई, और उसके बाद जब इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, वहां पे जख्मों के ताव ना सहते हुए इन्होंने दम तोड़ दिया। जी, बहुत बड़ी गलती की है उसने कि जबकि वो बाइक पे चला गया उधमपुर, इतना बड़ा सफर, 300 किलोमीटर का कम से कम ये सफर है, वहां पे बाइक पे चला गया बगैर हेलमेट के, बगैर किसी और जैकेट जो पहना हुआ होगा इसने, मगर वहां पे बहुत बड़ी गलती की है इसने, जबकि बाइक पे चला गया। सर्दियों के मौसम चल रहा है, सर्दियों के आयाम चल रहे हैं, ये ठठरती सर्दी में बाइक पे चढ़ जाना। जी 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 हाँ, आमतौर पर भी अगर आमतौर पर भी बाइक चलाई जाए तो वहां पे इस ठठरती सर्दी में जो दिमाग भी सुन्न पड़ता है, हाथ भी सुन्न पड़ते हैं, काम नहीं कर पाते। वहां पे टिकरी के मुकाम पे जब इसकी स्लिप हो गई, वहां पे गिर पड़ा, ऑलरेडी ये इस ठंड में तो थोड़ा सा भी अगर जख्म आ जाए तो उसे खून बहने लगता है। इसने बहुत बड़ी गलती की है जब ये मोटरसाइकिल पे वहां पे चला गया, और अपने बच्चों से मिलने के खातिर तेज भी चल रहा होगा, तभी तो टिकरी के मुकाम पे इसकी जो बाइक है वो फिसल गई और ये रोड पर गिर पड़ा। वहां पे मुकामी लोगों ने इसको हॉस्पिटल पहुंचाया, और बाद में इसके डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया कि ऐसा वाका हुआ है, तो हॉस्पिटल में वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। नजीर अहमद के पीछे उसके तीन बेटे हैं और एक बीवी और एक बूढ़ा माँ बाप है, जिनको ये दाग मार्फत दे गया, और उनको हर वक्त ये नजीर अहमद की याद आएगी, उसके बच्चों की, अपने बाप की कमी हमेशा कमी महसूस हो जाएगी, जबकि उनके पास कुछ भी हो मगर फिर भी बाप की कमी जो है वो उम्र भर उनको सताती रहेगी। बिल्कुल, क्योंकि जब हमने SHO टिकरी से भी बातचीत की तो उन्होंने यही इन्फॉर्मेशन दी कि एक रेसर बाइक से ये अनंतनाग से उधमपुर आ रहे थे, रास्ते में टिकरी में स्किड ऑफ हुई इनकी बाइक, हेलमेट इन्होंने नहीं पहनी हुई थी, हेड इंजरी आई, उस वक्त तो ये सांसें ले रहे थे, पर अस्पताल पहुंचते पहुंचते इतने जख्मों के ताव ना सहते हुए दम तोड़ दिया। और जो मुकामी लोग हैं, जो आई विटनेस थे या CCTV में भी उन्होंने देखा, तो यही उसमें बताया गया है कि बाइक इनकी स्किड ऑफ हुई, क्योंकि लगातार 2 से 3 दिनों से बारिशों का सिलसिला जारी रहा था, जिसकी वजह से रोड भी काफी ज्यादा स्लिपरी थी, और उसके बाद जो है जिस तरह से दर्दनाक की सड़क हादसा पेश आया है। और आपने कुछ फैमिली से रابطہ करने की कोशिश की, कुछ उनकी तरफ से जानकारी सामने आई? नहीं, ये जो जानकारी है वो तो उन्हीं की तरफ से हमें मिली, मगर वहाँ पे जो उसके रिश्तेदार है सारे तो वावेल्ला कर रहे हैं, उनके मातम कुदा है, हर एक रो रहा है, गांव के जितने भी उन लोग हैं वो सारे रो रहे हैं, वहाँ पे सारी फैमिली जो है वो मातम कुदा है। मगर मामला यहाँ पे ये पहुंचता है कि यहाँ से लेकर
उधमपुर तक या टिकरी तक किसी ने इसकी हेलमेट चेक नहीं की है, ये ट्रैफिक पुलिस के लिए भी सवाल है और पुलिस के लिए भी एक सवाल है कि बगैर हेलमेट के कौन कोई बाइक सवार उनके सामने से गुजरता है उसको वो हेलमेट चेक नहीं करते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इस रोड पे तो ऑलरेडी एक्सीडेंट रोड माना ही जाता है, ज्यादा स्पीड होगी तब भी एक्सीडेंट हो जाएगा, अगर इस ने हेलमेट पहनी होती शायद ये बच जाता। ये पुलिस पे जिम्मेवारी आयद होती है कि बगैर हेलमेट के, अगर कानून निकला है कि बगैर हेलमेट पे कोई भी बाइक पे सफर नहीं कर सकता है, तो इसकी हेलमेट वहां तक चेक क्यों नहीं की गई, क्या माजरा है, ये सवाल या निशान है जी। बिल्कुल आखिर में बताइएगा, क्योंकि आपने पूरी डिटेल दी कि कुलगाम में ये कहां से ताल्लुक रखते हैं, कहां के रहने वाले हैं, फैमिली में कौन कौन है, और बताया जा रहा है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स श्रीनगर में ये एज अ पीए तैनात थे, तो इस हवाले से क्या बताया जा रहा है? आगे कुलगाम से कम 12 किलोमीटर की दूरी पर देवसर मुकाम है, देवसर से आगे ये सोपट टंगपोरा इसको कहते हैं, सोपट टंगपोरा में ये रहता था और रेलवे पुलिस में इसकी विंग, ये जेके पुलिस में भर्ती था और बाद में विंग इसकी चेंज हो गई है, रेलवे पुलिस में काम करता था। तीन बच्चे इसके और बूढ़े माँ बाप है जो कि नगरोटा में ही रह रहे हैं, उनको भी इन्फॉर्म कर दिया गया, अभी आबाई गाँव में उसको लाया गया है, वहाँ इसके तदफीन के लिए की तैयारियां हो रही है। बिल्कुल शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। और जिस तरह से आप देखिए एक लापरवाही ने इनकी जान ले ली, एक लापरवाही से ये इस दुनिया से रुखसत हो गए, उसी एक लापरवाही से आज तीन बच्चे जो इनके हैं, जो पूरी फैमिली है, वो मातम में है। और आपको बता दें कि कुलगाम के कांस्टेबल नजीर अहमद राठर, जिनका उधमपुर के टिकरी में एक्सीडेंट हुआ बाइक स्किड ऑफ होने से, बहुत ही दुखद है, दिल दहला देने वाला है। और इसी मैसेज के साथ, जब भी आप ड्राइव करें सेफली करें, खुद की जान का ख्याल रखें, दूसरों की जान का ख्याल रखें, क्योंकि हर किसी का उसके घर पे कोई इंतजार कर रहा है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, देखते रहिए जेके न्यूज़ पर।